मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज का मेरा ये लेक्चर तमाम पहली क्लास के बच्चों के लिए है। बेटा, हमने 16 तारीख तक का काम ये लिया था कि हम पढ़ी थी हमने पूरी तरन्नुम के साथ और उसके मुश्किल अल्फाज भी पढ़े थे। अब आगे जो मैं आपको काम कराऊंगी वो हम हम्द का फेयरवर्क करेंगे। तो तमाम बच्चे पहली क्लास के अपनी अपनी किताब खोल लीजिए उर्दू की। बेटा, 16 तारीख तक का काम ये था हमारा कि हमने पूरी नज़म हम पढ़ी थी और इसको तरन्नुम के साथ अच्छे से याद किया था। अब आप सफ़ा नंबर 6 खोल लीजिए आगे वाला। तो बेटा, ये है हमारी मश्क सफ़ा नंबर 6 पर, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके तमाम सवालात फेयर काम में करवाऊंगी। क्या लिखा है? मंदरजा जेल का मतलब है नीचे दिए गए। तस्वीर देख कर बताएं, यानी इन तस्वीरों को देखकर हमने क्या बताना है वो हमें बता रहे हैं कि इन्हें किसने पैदा किया है। यानी नीचे दी गई तस्वीर को देखकर हमने ये बताना है कि इन्हें पैदा किसने किया है। बेटा, मैंने हम में आपको बताया कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, ज़मीन, आसमान, इंसान, पहाड़, फल, फूल, सूरज, चाँद, सब अल्लाह ने बनाए हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरह लिखेंगे। अब देखें, ये हैं तोते, ये किसने पैदा किए हैं? बेटा, ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तो मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, अलिफ लाम जबर अल लाम खड़ा जबर ला हे साकिन अल्लाह नून बड़ी ये जबर ने अल्लाह ने। इसी तरह ये है बेटा कबूतर, ये जानदार है, सांस लेने वाला है, इसे भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। अलिफ लाम जबर अल लाम खड़ा जबर ला हे साकिन अल्लाह नून बड़ी ये जबर ने अल्लाह ने। अब बेटा आगे वाली तस्वीर देखिए, ये हैं बच्चे, ये है पहाड़, ये है दरख्त और ये तमाम जानवर हैं। तो इन्हें पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला है। अब मैंने आपको ये दो लिखकर बता दिए, इसी तरह लाइन दी हुई है। अब आपने खुद बेटा इनको फिलअप करना है और सब के सब में आपने लिखना है अल्लाह ने, क्योंकि इन सबको बनाने वाला अल्लाह है। अब नीचे वाले सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 2, क्या लिखा है? मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात दें, यानी नीचे जितने भी सवालात लिखे हुए हैं आपने इसके जवाबात देने हैं। मैं आपको लिखकर बताऊंगी, आपने मेरा देख देख कर अपनी किताब में फिल करना है। क्या लिखा है बेटा? ये खुश रंग दुनिया किस ने बनाई है? मैंने आपको बताया तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? अलिफ लाम दबर अल लाम खड़ा दबर ला हे साकिन अल्लाह ते जबर त आइन अली जबर आ लाम खड़ा जबर ला ताला नून बड़ी है जबर ने अल्लाह ताला ने। ये खुश रंग दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। सवाल नंबर 2 है, हजारों सितारे किसने बनाए? अब दूसरा सवाल है, हजारों सितारे किसने बनाए हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे अल्लाह ताला ने। यहाँ भी सेम वही जवाब आएगा क्योंकि इन्हें बनाने वाला भी अल्लाह है। तीसरा सवाल है, फल और फूल किसने पैदा किए हैं? फल और फूल को भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, हम लिखेंगे अल्लाह। सवाल नंबर 4 है, हमें कौन रिस्क देता है? हमें रोजी कौन देता है? बेटा, वो भी अल्लाह ताला देते हैं। तो बेटा, हमें रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। सवाल नंबर 5 है, सारे जमाने पर किसकी खुदाई है? तो हाँ, तो बेटा सारे ज़माने पर किसकी खुदाई है? अल्लाह ताला की। अब आप ऊपर की तरफ आ जाएं, पेज नंबर 7 पर सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, दिए गए हरूफ की मदद से खाली जगहें पुर करें। अब यहाँ बेटा दो ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, एक सही है एक गलत है, इन चारों में से। अब हमने क्या करना है कि एक पर टिक लगाना है फिर उसे खाली जगह में लिखना है। मैं सिर्फ आपको टिक लगाकर बताऊंगी, खाली जगह में आप लोग खुद लिखेंगे। अब देखिए, मैं पढ़ के बता रही हूँ। नंबर 1 है, सितारे देश में चमकते हैं। लिखा है रात और दिन। आपको पता है कि सितारे कब चमकते हैं? जाहिर है रात में ही चमकते हैं, जब चांद निकलता है, अंधेरा होता है, तो हम रात पर टिक लगाएंगे। अब आपने रात को खाली जगह में लिखना है। मैं एक लिखकर आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद लिखिएगा। दूसरा है, खुदा ने हमें देश मौसम दिए हैं 8-4। अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं, सर्दी, गर्मी, फिजा, बहार। अभी गर्मी चल रहा है तो हम 4 पर टिक लगाएंगे, 4 को आपने खुद खाली जगह में लिखना है। अब लिखा है, चमकते हुए सितारे देश लगते हैं। दो ऑप्शन है, एक सही है गलत, बुरे या अच्छे। चमकते हुए सितारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अच्छे पर टिक लगाएंगे और अच्छे को ही जो सही ऑप्शन है खाली जगह में लिखेंगे, ये गलत वाला नहीं लिखेंगे।
देश से पानी के चश्मे निकलते हैं। दो ऑप्शन है पहाड़ों दरियाओं। तो यहाँ हम पहाड़ों पर टिक लगाएंगे कि पहाड़ों से पानी के चश्मे निकलते हैं। पहाड़ों एक सही ऑप्शन है और ये सही नहीं है, तो पहाड़ों आप इस खाली जगह में लिखिएगा। सवाल नंबर चार, मंदरजा ज़ैल अल्फाज खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब जो अल्फाज दिए हुए हैं ना, आपने अपनी राइटिंग में लिखने, देख देख कर, एक लिख कर बता रही हूँ आपको। लफ्ज लिखा है मौसम, ऐसे मेरी तरह जैसे मैं वहाँ से देख कर अपनी राइटिंग में लिख रही हूँ, इसी तरह आपने भी लिखना है। एक और लफ्ज बता देती हूँ, जिंदगी, यानी यूँ अच्छी राइटिंग में। अब मज़ा, मज़ा यहीं लिखोगे, चश्मे चश्मे सेम यहीं, रिस्क रिस्क भी, कुदरत कुदरत। सवाल नंबर पाँच, मंदरजा ज़ैल अल्फाज के उलट लिखिए, ठीक है। मतलब अगर जैसे मिसाल भी दी हुई है, ज़मीन से आसमान, यानी ज़मीन उसका उलट होगा आसमान, क्योंकि ज़मीन इसे बिल्कुल नीचे और आसमान उतना ही ऊपर है। अब मैं आपको उलट बता रही हूँ, दुख, दुख का उलट है सुख, ठीक है, और रात, रात का उलट है दिन, और आगे, आगे का उलट है पीछे, ठीक है। सवाल नंबर छः है, दुरुस्त जुमलों के आगे सही और गलत, जुमलों के आगे गलत का निशान लगाइए। पढ़कर बता रही हूँ एक एक आपको। पहला है चांद तारे रात को चमकते हैं, ये सही है क्योंकि चांद और तारे दोनों ही रात को चमकते हैं, सही। दुनिया का सारा निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उन्होंने ही बनाई है। अल्लाह ताला हमें रोज़ी नहीं देता, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम सबको रिस्क अल्लाह ताला देता है, गलत। सूरज से अंधेरा फैलता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि सूरज अभी दिन में निकला हुआ है आप, और सूरज सुबह में निकलता है तो वो रोशनी फैलाता है, ये गलत बात है। उसके बाद अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहीम है और मेहरबान है। ये है 18 16 के लिए बेटा, ये है आपका 18 तारीख का काम, 18 जून 2020 ये वाला, और जो मैंने ये आपको कराया, ये काम है आपका 17 जून 2020, ठीक है। ओके बेटा, नाउ क्लोज योर बुक्स, आप लोग अपनी अपनी बुक्स बंद कर दीजिए, और आप लोगों ने क्या करना है, स्कूल के पेज को सब्सक्राइब करना है बेटा, और ये तमाम काम आपने 19 को हमें सबमिट कराना है बेटा। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।